Good morning, dear student, and also welcome in our DSS Aven classes. And here we are going to start once again chapter 1, knowing about the computer. Because regular we have to use a YouTube video link, those are prepared by me. And here we have to use another output device like speaker. You know that all student, what is speaker? Speaker आपके घर में होगा ही, नहीं होगा तो आपके मोबाइल फोन में भी आवाज आता है, तो आवाज यदि आता है तो उसके अंदर इनबिल्ट है, क्या बिल्ट है? स्पीकर, जिसके थ्रू आप साउंड को सुन सकते हैं. किसी भी आउटपुट को पाने के लिए उसका उपयुक्त आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, या फिर इनपुट करने के लिए उसका उपयुक्त इनपुट डिवाइस होना चाहिए, प्रोसेसिंग होने के लिए उसमें प्रोसेसिंग डिवाइस होना चाहिए. ठीक वैसे ही आपको यदि आवाज सुनना है आपके सिस्टम में, तो आपके सिस्टम में स्पीकर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि आप वहां स्पीकर लगाइए, अदरवाइज गाना प्ले होगा बट वॉइस नहीं आएगा. क्यों? वो गाना तो आपके मल्टीमीडिया प्लेयर का जो एप्लीकेशन उससे पर रन होगा, बट जो आवाज प्रोड्यूस होगा वो तो स्पीकर से होगा ना, तो स्पीकर भी आपके उसके साथ अटैच होना चाहिए. Now, speakers are output devices that allow you to hear the sound. Sound मतलब आवाज सुनने के लिए होता है, coming from your computer. Computer से आने वाली आवाज सुनने के लिए हमें किसकी जरूरत है? Speaker की. Speakers are normally available in pairs. Pairs मतलब क्या होता है? जोड़ा, जिसमें कितनी काउंटिंग होती है? 1 and 2, यानी कि स्पीकर हमारा हमेशा पेयर्स के फॉर्मेट में आता है. और पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जोड़ा, मतलब दो पीस में. बट फॉर बेटर साउंड आउटपुट, अच्छी आवाज की आउटपुट पाने के लिए यू कैन ऑल्सो गेट स्पीकर्स विद 1 subwoofer. सबवूफर मतलब उसके साथ एक वूफर, एक बॉक्स की तरह होता है, उसपे जब आप स्पीकर को कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी होती है और ही बेस्ट हो जाती है. एंड मल्टीपल सैटेलाइट, और वो वाईफाई वाले भी हो सकता है जिसमें हम रिमोट से हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं. यूनिट दे आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड क्वालिटी. आपके मार्केट में जब आप स्पीकर खरीदे जाएंगे तो 2 pieces मतलब पेयर से मिलेगा, और एक आप सब वूफर यदि उसके साथ लेते हैं तो आपकी जो वॉयस की क्वालिटी होगी काफी इनहेंस होगी. और मार्केट में अलग अलग क्वालिटी और अलग अलग साइजेस के आपको क्या मिलते हैं? स्पीकर. सो हियर स्पीकर ऑल्सो इज अ आउटपुट डिवाइस इज देयर फ्रॉम वी कैन लिसन साउंड. नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस. Another output device is headphone and earphones, and here also it is the last output device from your book. Okay, headphones and earphones. आप अपने घर पर भी इसका utilization कर रहे होते हैं. जब आप मोबाइल खरीदते हैं, आजकल तो मोबाइल तो अलग से नहीं आ रहा है हेडफोन या ईयरफोन ही आता है मैक्सिमम. हेडफोन्स क्या होता है? आपको एक हेयरबैंड के थ्रू होता है जो आप अपने ईयर्स पे अटैच करते हो अपने हेड के सहारे. ओके, और ईयरफोन क्या होता है? जो एक वायर के थ्रू आता है डायरेक्टली कान में लगाते हो, ठीक है. और ये दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम होता है वायर्स को सुनना, बट कहा डायरेक्टली आपके ईयर्स में, ना कि पब्लिकली, ठीक है. स्पीकर्स क्या है? पब्लिक के लिए है. बट हेडफोन और ईयरफोन क्या है? आपके ईयर्स में, मतलब जो बंदा उसका यूटिलाइजेशन कर रहा होता है ठीक उसी को ये आवाज सुनाई देता है. अलाउ यू टू गेट द साउंड आउटपुट इन योर ईयर्स ओनली, केवल आपके कान में. कहां पे? केवल आपके कान में. लेकिन किसके कान में? जो यूजर्स डायरेक्टली हेडफोन या ईयरफोन का अपने यूज करता है ठीक उसी के ईयर्स में वो आवाज आउटपुट के फॉर्मेट में उसको सुनाई देता है. ईयरफोन्स आर स्मॉलर साइज हेडफोन्स. हेडफोन्स थोड़ा बड़ा होता है, हैवी होता है, लेकिन ईयरफोन क्या होता है? बिल्कुल एक वायर होता है, पतला सा तार होता है, 5 meter या 4 meter की दूरी का, इससे भी छोटी साइज का. वो आप कभी भी अपने पॉकेट में पोर्टेबल कर सकते हो, रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टेबल होता है.
ये क्या होता है, हेडफोन भी पोर्टेबल है बट वो ज्यादा स्पेस लेता है, उसकी जो साइज है वो काफी इनलार्ज है कंपेयर देन ईयरफोन। सो टुडेज वीडियो फॉर ओनली फॉर आउटपुट डिवाइसेज एंड हियर वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेज एंड व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ द आउटपुट डिवाइसेज। हियर ऑल द आउटपुट डिवाइसेज we have to learn. If you have any types of doubt, you can ask me with my personal phone calling. Okay? Thank you. Have a nice day.